जिम्मेदार है? हालत बहुत बुरी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भैया एमसीडी की हालत बुरी नहीं कहा, एमसीडी का फंड नहीं रिलीज हो रहा है जिससे उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, वरना आप आज की स्थिति में दिल्ली जो बची हुई है वो 80% एमसीडी के कार्यों से ही बची। एमसीडी के आप देखिए आए दिन में जो कुछ आपको जो सफाई दिख रही है, जो लगातार कूड़े निकल रहे हैं, जो नई नई जो तरकीब निकल रही है और उसके कारण ही दिल्ली की जो स्थिति है, आप एमसीडी के पार्कों में जाइए तो उस आज पार्कों पे दिल्ली है। दिल्ली का सबसे सुकून वाला जगह क्या है? पार्क है। पार्क कौन है? या तो डीडीए का है या तो एमसीडी का है। दिल्ली सरकार के द्वारा अस्पताल देखिए, दिल्ली सरकार के जितने पानी हो, आप हम कहीं भी एमसीडी आपके द्वार लेके जाते हैं तो भी लोग पानी का ही हाहाकार मचाते हैं। अभी मैं इधर गांव मुखमेलपुर गांव के चौपाल पे बैठा, पानी का हाहाकार। पटेल नगर में बैठता हूँ, पानी का हाहाकार। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीडी और भी अच्छा कर सकती है, बशर्ते कि उसका फंड ये दिल्ली सरकार दे। जो फंड रोका हुआ है वो जान करके रोका हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी बदनाम हो क्या कुछ इस तरीके की उनकी नियत ही यही है। क्योंकि पैसा जब सरकारी आता है तो उसका हेड बना होता है, ये एमसीडी का हेड है, ये कूड़ा का हेड है, ये एमसीडी के अस्पतालों का हेड है, ये सफाई कर्मचारियों के पेमेंट का हेड है, और वो हेड अगर आप रोकते हैं तो उसको कहीं और तो खर्च कर नहीं सकते। तो ये उद्देश्य कि पैसा रखते हुए ना देना और वापस जाना, ये 10,000 करोड़ जो दिल्ली सरकार का वापस गया है किसका पैसा था? ये पैसे वही थे जो उसमें से कम 9,000 करोड़ तो दिल्ली सरकार को देना था एमसीडी को। ये जो नियत है वो उस पर दिल्ली की जनता को ध्यान रखना होगा। और इनके राज में क्या स्थिति है सड़कों की, आप वो भी देख लीजिए। अगर केंद्र सरकार न परसू करे तो ये तो पूरा जैसे पानी काला है वैसा नियत भी काला करके सर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए जनता तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिल्ली सरकार, राज्य सरकार की सिर्फ कहां जिम्मेदारी आती है? देखिए आप बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पकड़ लिया। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स है वो दिल्ली सरकार ले रही है 25%, और स्टेट कोई 18%, कोई 16%, कोई 20%। अगर आज दिल्ली सरकार औरों की तरह, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं हम तो सारा माल फ्री में दे देंगे, तो आपको फ्री में मत दो, अगर आधा कर दो तो दिल्ली में डीजल पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा गिर जाएंगे जितने कभी नहीं रहे। तो मेरा ये कहना है कि आज सरकार गंभीर है, मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें स्टेट्स को भी साथ आना चाहिए और खासतौर से अरविंद केजरीवाल। सर बुराड़ी में आज आपने जो उद्घाटन किया है क्या है वो, कौन कौन सी चीज़ें होंगी और उसके आगे के लिए बुराड़ी को क्या? देखिए हमने बहुत ही उत्तम क्वालिटी के ये घबराइएगा नहीं ये LED का लाइट है, और ये एक लाइट पहले के 4 लाइटों के बराबर लाइट देगा। तो ये हम लोग आज खंभों पे लगे हुए हैं, एक शो के लिए यहाँ भी दिखा दिया, ये भी किसी खंभे पे लग जाएगा। और इसी के साथ हम गलियों का निर्माण भी कर रहे हैं जो किए। कितने कितने का बजट बुराड़ी के लिए दिया है? आज जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो लगभग 1 करोड़ प्लस का ही है, 1 करोड़ से कुछ 2-4 लाख आगे पीछे होगा। तो हम ये किए हैं और अब यही काम हम हर पार्षद को, आज हम 25-25 लाख पहले देने का कहे थे, अब नया बजट आ गया है आखिरी साल का तो उसमें से भी हम 25-25 लाख देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तिवारी जी मेट्रो और चाहिए।